तो हे एनीमे फैंस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मेगाजॉर्ड एक्स। यार आज के इस ऑसम वीडियो में हम बात करेंगे बेन 10 वर्सेस ग्वेन। अगर इन दोनों में कभी फाइट होती है तो इस फाइट का विनर कौन होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और इसी तरह के ऑसम वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यार चलो एक छोटे से इंट्रो के साथ इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम पहले बात करेंगे ग्वेन की। ग्वेन बेन की कज़िन है जो कि स्टार्टिंग से यानी कि बेन 10 क्लासिक सीरीज से ही बेन के साथ है और हमेशा उसने बेन की हेल्प की है। ग्वेन ह्यूमन और एनडेड स्पीसीज से है जिसने हमेशा ही बेन 10 और केविन की बैलेंस से लड़ने में हेल्प की है। ग्वेन ने बड़ी से बड़ी सिचुएशन में भी केविन और बेन 10 की हेल्प की है। ग्वेन बहुत ही पावरफुल है और अपने एनडेड फॉर्म में ये और भी पावरफुल हो जाती है। बात करें अगर ग्वेन की पावर एंड एबिलिटीज़ की तो ग्वेन के पास मैना डिटेक्शन, मैना मैनिपुलेशन, मैना एब्जॉर्प्शन और मैना फील्ड कम्युनिकेशंस और कई सारी मैजिक्स पावर्स हैं। इसके अलावा ग्वेन के पास टेलीपोर्टेशन, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी और डायमेंशन ट्रेवल जैसी पावर्स भी हैं। और यार ग्वेन के पास एनहेंस स्ट्रेंथ, एनहेंस ड्यूरेबिलिटी एंड एनहेंस इंटेलिजेंसी भी है। और भी यार इसके अलावा ग्वेन के पास बहुत सारी पावर्स हैं। तो यार आप समझ सकते हैं कि ग्वेन कितनी पावरफुल है। यार ग्वेन ने एथलेटिक्स और मार्शल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग ली है। ग्वेन्स के पास मैना पावर्स हैं जिनसे वो अपने अपोनेंट को आसानी से डिफीट कर सकती है और एनेडाइट फॉर्म में तो ये मैना पावर्स और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। एनेडाइट फॉर्म में ग्वेन के पास और भी ज़्यादा पावरफुल पावर आ जाती हैं। अगर आप ग्वेन की ग्रैंड मदर यानी कि वर्डोना के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि एनेडाइट फॉर्म कितना पावरफुल होता है। वर्डोना भी एक एनेडाइट है और हमने एपिसोड में देखा है कि केविन, ग्वेन और बेन 10 तीनों के लिए ही वर्डोना को डिफीट करना काफी मुश्किल हो गया था। तो आप सोच सकते हैं कि एक एनाडाइट फॉर्म कितना पावरफुल होता है। ग्वेन अपनी पावर से काफी पावरफुल एंड शार्प ब्लेड्स क्रिएट कर सकती है और पावरफुल एनर्जी बीम भी क्रिएट कर सकती है। और यार ग्वेन अपने मैना पावर्स को कोई भी शेप दे सकती है और यार अपनी सेफ्टी के लिए एक पावरफुल शील्ड भी क्रिएट कर सकती है। हमने एक एपिसोड में देखा है कि ग्वेन ने एक बार इतनी पावरफुल शील्ड क्रिएट की थी जिसे एटोमिक्स के अटैक से भी कुछ नहीं हुआ था। हाँ यार वो अपने एटमॉस्फेयर से बाहर जरूर चले गए थे लेकिन यार शील्ड को कुछ भी नहीं हुआ था। और यार हो सकता है कि ओमनीवर्स सीरीज तक ग्वेन अपने एनेडाइट फॉर्म को अच्छी तरह से कंट्रोल करना सीख गई हो क्योंकि लकी गर्ल वाला फॉर्म जो कि हमें ओमनीवर्स में देखने को मिला है मुझे लगता है कि वो एक एनेडाइट फॉर्म है। तो अब बात करते हैं ग्वेन की वीकनेस की। तो यार ग्वेन की वीकनेस है कि वो अपने एनेडाइट फॉर्म पे अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती है और यार वो अपनी मैना पावर्स को भी अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर सकती है जिस तरह की चैम कैस्टर कर सकती है। तो यार ये थी ग्वेन की पावर एबिलिटीज एंड वीकनेसेस। अब बात करते हैं बेन 10 की। यार बेन 10 के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बेन 10 के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। तो बेन 10 बेन 10 सीरीज का मेन कैरेक्टर है और इसी के नेम पर इसकी सीरीज का नेम है या कहें कि इसकी सीरीज के नेम पर इसका नेम है। अरे क्या नेम कर रहा है, चल आगे बोल। और हाँ इस वीडियो में हमने एलियन एक्स को नहीं रखा है क्योंकि यार वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बेन 10 अपने यूनिवर्स में बहुत ही फेमस है और उसने अपने यूनिवर्स के पावरफुल विलन्स जैसे कि विलगैक्स, मेलवेयर, खाइबर और मेल्ट्रुएंट जैसे विलन्स को भी डिफीट किया है। बेन 10 की सबसे बड़ी पावर है उसका ओमनीट्रिक्स। अगर ओमनीट्रिक्स उसके पास ना हो तो बेन 10 कुछ भी नहीं है। बेन 10 अपने ओमनीट्रिक्स के बारे में सब कुछ तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जरूर जानता है। वो अपने ओमनीट्रिक्स की छोटी सी प्रॉब्लम को खुद ठीक कर सकता है। बेन के ओमनीट्रिक्स में कई सारे फंक्शन है जैसे कि रैंडमाइजर मोड जिससे बेन जल्दी जल्दी अलग अलग एलियंस में आसानी से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। रिचार्ज मोड, ओमनीट्रिक्स की बैटरी अगर डाउन हो जाती है तो यार वो अपने आप ही रिचार्ज हो जाती है, ना कि हमारे मोबाइल की तरह उसे चार्ज में लगाना पड़ता है। एक्टिव मोड, जब ओमनीट्रिक्स ऑन होता है यानी कि काम करने की हालत में होता है। कैप्चर मोड, इससे बेन का ओमनीट्रिक्स अपने अपोनेंट के डीएनए को कैप्चर करके बेन को उसी में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बात करें अगर बेन के पावरफुल एलियंस की तो बेन के पास एटॉमिक्स, फीडबैक, क्रोमास्टोन, डायमंड हेड, ग्रैव अटैक और रेथ जैसे पावरफुल एलियंस हैं। तो यार ये तो हो गई बेन 10 की पावर एंड एबिलिटीज। अब बात करते हैं बेन 10 की वीकनेस की। तो यार बेन 10 के ओमनीट्रिक्स की बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है क्योंकि यार वो अपने ओमनीट्रिक्स को कभी फुल चार्ज नहीं करता है। और यार हमने ओमनीवर्स के एपिसोड में देखा भी है कि उसका ओमनीट्रिक्स उसे उसका फेवरेट और पावरफुल एलियन नहीं देता है। यार उसका ओमनीट्रिक्स उसे हमेशा सिचुएशन के हिसाब से राइट एलियन नहीं देता है
उसने कई बार बेन 10 को गलत एलियन भी दिए हैं। तो यार यही थी बेन 10 की पावर एबिलिटीज एंड वीकनेसेस। अब बात करते हैं अगर इन दोनों में कभी फाइट होती है तो इस फाइट का विनर कौन होगा। तो यार मेरे ओपिनियन से तो इस फाइट का विनर होगा बेन 10। हाँ यार मैं मानता हूँ यार कि उसके ओमनीट्रिक्स की बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है, लेकिन यार अगर वो उसे फुल चार्ज करे तो ऐसा नहीं होगा। और यार ओमनीवर्स के एपिसोड में हमने देखा है कि उसका ओमनीट्रिक्स जल्दी रिचार्ज भी हो जाता है। और यार क्रोमा स्टोन क्वेन की पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। एलियन फोर्स के एपिसोड में हमने देखा है कि बेन ने खुद कहा था क्वेन से कि तुम इन पावर्स के साथ क्रोमा स्टोन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और बेन 10 के पास फीडबैक भी तो है जो कि अनलिमिटेड एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। और यार बात करें हैंड टू हैंड कॉम्बैट की, तो यार क्वेन के एथलेटिक्स और मार्शल आर्ट्स को टक्कर देने के लिए भी बेन के पास एलियन है। बेन के पास क्वेन को टक्कर देने के लिए केकिन हॉक और बुलफ्रैग जैसे एलियन हैं जो कि क्वेन के एथलेटिक्स और मार्शल आर्ट्स को अच्छी टक्कर देंगे। और अगर इन दोनों में पावरफुल फाइट होती है तो बेन 10 के पास अटोमिक्स है जो कि अपने न्यूक्लियर अटैक्स से क्वेन के शील्ड्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और बेन 10 के पास वेवेग भी है जो कि क्वेन को डिफीट कर सकता है। तो यार आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।